और अयोध्या के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि अयोध्या के बाद में गोरखपुर जाएंगे और तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को आज देंगे। वन टांगिया समुदाय के बीच में दीपावली का ये पर्व मनाते हुए आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर गाँव वालों को विकास योजनाओं की तमाम सौगात देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अयोध्या के बाद में गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में तमाम विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। बहुत सारी सौगात आज, या यूं कहे कि दिवाली का त्यौहार है और ऐसे पर एक बड़ा तोहफा गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री आज देते हुए नजर आएंगे। आज गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी फिलहाल अयोध्या में मौजूद है और करीब 11 बजे अयोध्या से गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर वासियों को दी जाएगी। वन टांगिया समुदाय के बीच में दिवाली मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे, गाँव वालों को विकास योजनाओं की तमाम सौगात आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। दीपावली का जो ये पर्व है, लोगों के बीच में रह करके दीपावली का ये पर्व मुख्यमंत्री मनाएंगे और ये कोई पहली बार नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, यानी कि जब वो वहां से सांसद थे, तब भी अक्सर लोगों के बीच में जाकर के ही अपने त्योहार वो मनाते थे और एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री आज वो बन गए हैं तो उसके बाद में भी लोगों के बीच में जाकर ही अपना दीपावली का ये पर्व मुख्यमंत्री आज मनाएंगे, जिसको लेकर गाँव वालों में भी इस वक्त काफी खुशी और उत्साह है कि आज वो मुख्यमंत्री के साथ में ये पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का ये पर्व आज वो मुख्यमंत्री के साथ मनाने जा रहे हैं, तो इसलिए गांव वालों में भी काफी उत्साह काफी खुशी है। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के बाद में आज मुख्यमंत्री गोरखपुर जाएंगे, करीब 11 बजे अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, मंच पूरी तरह से सज करके तैयार है, यहाँ पर जो बनटांगिया मजदूर हैं वो भी अपने मुख्यमंत्री के दीदार के लिए लगातार चेकिटी लगाए हैं। बस चंद समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों के बीच में पहुंचेंगे और दीपावली मनाने का काम करेंगे। खासतौर से अयोध्या से वो सीधे गोरखपुर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और बनटांगिया मजदूरों के बीच में दिवाली मनाएंगे। ये हर साल की परंपरा रही है उनकी, कि हर साल दीपावली इनके बीच में आकर के, इनके बच्चों के बीच में आकर के मनाने का काम करते हैं। जब सांसद थे तब भी मनाने का काम करते थे और आज 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद भी इनके बीच में आने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला था, जिसको लेकर के काफी इन लोगों ने संघर्ष किया। और 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, इन लोगों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया और खास तौर से इन लोगों के सरकारी योजनाओं को उससे भरपूर करने के लिए इनके लिए जो है कि उन्होंने हर संभव प्रयास रत रहे और इनको उसमें जोड़ने का भी काम किया। जी, अगर देखा जाए तो जिस गांव में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उन गांव वासियों में भी काफी खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री के साथ दिवाली का वो पर्व मनाएंगे। नहीं नहीं, आज गाँव में वाकई दिवाली का जो आज मौका है, दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के सुख में शामिल होने का बात करते हैं और ये भी करते नजर आते हैं कि कोई बात होगी तो हमें बताइएगा। तो खास तौर पे आज यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर बेहद खुशी देखने को मिल रही है। जी, आखिर कितने बजे तक वहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, 10 बजे उनका कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ है, 10 से 10:30 तक वो यहाँ पहुँचेंगे जी, इन लोगों के बीच में दीपावली उत्सव मनाने का काम करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हरेंद्र।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी फिलहाल अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के बाद में गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां पर दिवाली का ये पर्व मनाते हुए नजर आएंगे लोगों के बीच में जाकर के। और इससे पहले भी जब वो सांसद थे तब भी लोगों के बीच में जाकर के ही साल भर का ये बड़ा पर्व मनाते थे, और आज जब मुख्यमंत्री बन गए, इतने बड़े पद पर वो पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों के बीच में जाकर ही इस पर्व को मनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसको लेकर वहां लोगों में भी काफी खुशी और काफी उत्साह है कि मुख्यमंत्री के साथ आज वो दिवाली का पर्व मनाएंगे। और खास बात यह भी है कि आज तमाम सौगात जो है वो गोरखपुर वासियों को मिलने जा रही है, यूं कहें कि दिवाली का जो तोहफा है वो आज वहां पर लोगों को मिलेगा। अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता एस के वाजपेयी जुड़ गए हैं। एस के, क्या कुछ ताजा अपडेट है, आज अयोध्या के बाद में गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अब से थोड़ी देर बाद राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये दौरा मुख्यमंत्री का अहम है। अहम इसलिए है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है वो प्रत्येक वर्ष जो दीपावली है वो वनटांगिया गांव में बनाते हैं, क्योंकि ये आदिवासियों का गांव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जो बच्चे हैं उनके साथ दीपावली के पर्व को मनाते हैं, उनको इस पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपहार भेंट करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार वनटांगिया और जो आदिवासी ग्रामीण है उनके लिए काम कर रही है, क्या उनके लिए योजनाएं हैं, इन बहुत सारे विषयों को लेकर जानकारी देते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन टांगिया गांव में जाएंगे जहां पर वो आदिवासी परिवारों के साथ उनके बच्चों के साथ दीपावली का त्योहार मनाएंगे और साथ ही साथ उनको जो उपहार है वो भी जो मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष उनके बच्चों को देते हैं वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से उनको दिए जाएंगे। जी।